नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, तो छात्रों आज एक और निबंध आपके लिए लेकर आई हूँ, बगीचे पर। कि चाहे वो अपने गांव का बगीचा हो, चाहे वो अपने घर का बगीचा हो, तो किसी भी प्रकार का बगीचे पर आपको निबंध लिखना है तो उसमें सिर्फ यही टॉपिक, यही शब्द जोड़ना है, मेरे घर का बगीचा या फिर मेरे गांव का बगीचा। बाकी बातें तो सेम होंगी। तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, बगीचे पर निबंध। किसी भी क्लास का विद्यार्थी जो है इस निबंध को याद कर सकता है। बगीचा हमारे गांव और हमारे घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति के मन की इच्छा होती है कि अपने गांव में बगीचा हो। बगीचा मीन गार्डन, जो शहरों में आजकल आमतौर पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि बगीचा एक ऐसा स्थान होता है जहां हमारे मन को शांति का अनुभव होता है और साथ ही मन शांत हो जाता है। बगीचे में चारों तरफ क्या होता है, रंगीन फूल, मीन रंग बिरंगे फूल और हरी घास होती है, जो हमारे मन की पूरी थकान को खींच लेती है और हमें आनंद का अनुभव प्रदान करती है। फूलों पर मंडराती अलग अलग तरह रंग बिरंगी जो तितलियां मन मोह लेती हैं, और सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ हमारे पूरे दिन के लिए नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। बगीचे में सभी लोग सुबह की सैर पर आते हैं और शाम के समय बच्चे अपने खेलों को मस्ती के साथ खेलते हैं। बगीचे में विभिन्न प्रकार के झूले होते हैं जिस पर बच्चे जो होते हैं वह झूलते हैं, आप जैसे ही बच्चे। बगीचे के चारों तरफ पक्का रास्ता बना होता है जिस पर सभी लोग चलते हैं, और इनके रास्तों के बीच में कुर्सियां भी बनी होती हैं या टेबल रखे होते हैं, बेंचेस, जो थके लोगों को आराम करने में काम आती हैं। बगीचे में हरी घास होती है जिस पर सभी बच्चे खेलते हैं, और साथ में युवा एक्सरसाइज भी करते दिखाई देते हैं। एक बगीचे के चारों तरफ और क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं जो बगीचे में सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणों को रोकने का काम करते हैं, और हल्की हल्की धूप जो मन को सुहाने लग वाली होती है, मीन मन को लुभा लेती है वो, और उनको आने देते हैं। एक बगीचे की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पीछे सभी की मेहनत होती है, मीन हमें सभी को उसकी देखभाल करनी चाहिए, मीन बगीचे में की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वह घर में बनाया गया बगीचा हो, चाहे वह अपने गांव में बनाया गया हो, तो उस गांव का भी फर्ज होना चाहिए कि वहां पर हर सदस्य जो है सफाई रखेगा तो अपने आप बगीचा साफ रहेगा, है ना। तो बगीचे में और क्या क्या हो सकता है वह भी ऐड कर सकते हैं आप। फलदार पेड़ भी हो सकते हैं, और रंग बिरंगे फूलों से बनी क्यारियाँ, या फिर और भी कुछ, जो आजकल तो फाउंटेन भी लगाते हैं लोग बगीचे में, जो गर्मियों में बहुत ही अच्छा ठंडक देने वाला होता है। और मुझे भी बगीचे में घूमना बहुत पसंद है, हमें बगीचे को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये था बगीचे पर निबंध। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।